हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा सिग्ना BS6 2825 टिपर के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस गाड़ी की पूरी जानकारी देंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि 2823 और 2825 दोनों ही टिपरों में क्या क्या फ़र्क है, कंपनी ने क्या क्या दोनों गाड़ी में बदलाव किए हैं और दोनों ही गाड़ी में कंपनी ने क्या क्या चीज़ें एक जैसी रखी हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको इन दोनों गाड़ियों की पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से मिल सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, करते हैं 2825 गाड़ी का रिव्यू के बारे में। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये गाड़ी देखिए सामने की तरफ ये बेजल लगा हुआ है 2825 का, और ये एयर फिल्टर है और ये हाइड्रोलिक टैंक है इसका, जो कि दोनों ही गाड़ियों में सेम है, 2823 गाड़ी में भी सेम है। और ये इसका डीजल टैंक है, उसके साथ में आपको DEF टैंक मिल जाता है आपको। और ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी 16 क्यूम में आती है। और इसके टायरों की बात करें तो जो इनके टायरों के जो पीछे के टायरों का साइज होता है वो 1050 का साइज है, और बीच में बोगी सस्पेंशन का यूज़ किया गया है इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी की बॉडी की बात करें तो गाड़ी का जो बॉडी है वो बहुत ही बेहतरीन कंपनी ने बनाया है, मजबूत बनाया है। और जो इस गाड़ी का जो बैक, आपको बैक की तरफ लेके चलते हैं, गाड़ी में देखिए ये LED में बैक लाइटें यूज़ की गई हैं, जो कि सेम हैं जो 2823 गाड़ी में जो लाइटें लगी हैं वो सेम इस गाड़ी में भी दी गई हैं। और बाकी गाड़ी की फिनिशिंग के बारे में बात करें, गाड़ी बहुत ही बेहतरीन कंपनी ने बनाई है और इसमें कुछ खास बदलाव नहीं है। चाहे आप टायरों की ले लीजिए या बोगी को लेके भी, बोगी की ले लीजिए, इसमें सब कुछ भी नहीं बदलाव है। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक नई आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक नई आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके और मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूं। तो चलिए फिर से वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये दिखाते हैं। मैं जैसे कि आप देख रहे हैं, ये टायर हैं, ये जो पीछे के टायर हैं, और ये इसमें आपको दिख रहा है 11-20 के इसके अंदर टायर लगे हुए हैं। और चलिए इसकी बोगी सस्पेंशन की बात करते हैं, जो इसके देखिए सामने जो बोगी सस्पेंशन दिया गया है इसके अंदर, जो कि सेम 2823 गाड़ी की तरह ही सेम है। और ये 10 टायरा गाड़ी है। इसकी ग्रॉस वेट की बात करें तो इसका जो ग्रॉस वेट है, व्हीकल का वेट है, वो 28 टन है। और 24 वोल्ट की बैटरी भी ये ऑपरेटेड है। इसके साथ में कंपनी एक स्टेपनी भी देती है। और चलिए आपको इसके इंजन की भी बारे में कुछ जानकारी देते हैं। ये सबसे पहले इस साइलेंसर की बात करेंगे, ये कंपनी ने साइलेंसर दिया है, ये दोनों वेरिएंट में आपको मिल जाएगी। आप ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे AC में भी ले सकते हैं और नॉन AC ब्लोअर में भी इसे आप ले सकते हैं। तो चलिए अब इसके इंजन के तरफ बढ़ते हैं और इसके इंजन के बारे में आपको जानकारी दिखाते हैं, और इंजन को भी बाहर से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं इंजन की बात करूँ तो जो इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, कमिंस ISBE 6.7 लीटर का इंजन है, BS6 सिलेंडर इंजन है, और 249 हॉर्स पावर के साथ 6700 CC का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है। ये देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, वो वीडियो में मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो देखिए जो हेड कंप्रेशर है वो बैक साइड में इसके अंदर लगा हुआ है। और यही मेजर चेंज मुझे लगा इस गाड़ी के अंदर, जो कि बाहर से आप देख के पता कर सकते हैं, क्योंकि 2823 गाड़ी में ये चीज़ फ्रंट साइड में है और इसमें रियर साइड में है। तो चलिए अब कुछ रिव्यू हम उस 2823 गाड़ी के बारे में बताएंगे कि उसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं 2823 के
कि इसमें क्या क्या उनसे मिलता जुलता है। वैसे तो मैंने आपको इसकी एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, आप ऊपर थंबनेल पर क्लिक करके पूरी वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस वीडियो को स्पीड करके आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा ताकि आपको वीडियो में समझ आ सके कि उनमें क्या क्या चीज़ें सिमिलर है। तो ये देखिए, सेम चीज़ें हैं, बस जिसको ऊपर बेजल है वो वहाँ पर 28 पीस लग गया है, और थोड़ा जो अंदर का इंटीरियर है वो भी कुछ खास चेंजेस नहीं है, सेम एक जैसा ही इसके अंदर जो अंदर का मीटर है और भी चीज़ें हैं सब सेम दी गई हैं। देखिए, मैं थोड़ा वीडियो फास्ट कर रखा है, आप इसे हमारी पुरानी वीडियो में भी थंबनेल पे जैसे मैंने आपको बताया क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिए, सेम जो पोजीशन, जो लोकेशन है हाइड्रोलिक टैंक की, यूरिया टैंक की, डीजल टैंक की, सब सेम एक ही जगह पर उनकी जो लोकेशन है वो दी गई है। कोई बदलाव नहीं है और बॉडी सब कुछ सेम है, जैसे बताया था कि उसमें भी आपको एक स्टेपनी मिल जाती है और इसमें भी स्टेपनी है, डबल बैटरी में 24 वोल्ट की बैटरी इसके अंदर आपको मिल जाती है। ये देखिए, साइलेंसर की भी बात करें तो सेम इसके अंदर भी आपको दोनों वेरिएंट में आपको मिल जाएगी गाड़ी, आप चाहें तो एसी में भी ले सकते हैं और नॉन एसी में भी इसे ले सकते हैं। चलिए इंजन की तरफ, मैं इस गाड़ी में भी आपको थोड़ा इंजन की थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करूँगा थोड़ा, और आप देख भी पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा था इसमें फ्रंट साइड में हेड कंप्रेसर लगा हुआ है, और थोड़ा इंजन की डिटेल के बारे में भी बात करेंगे। इसके अंदर जो इंजन है ISBE 5.6 लीटर का इंजन है, 219 हॉर्स पावर BS6 सिक्स सिलेंडर है और 5600 cc डीजल इंजन है। ये देखिए, जैसे कि आपने वीडियो में देखा सामने की तरफ इसमें हेड कंप्रेसर लगा है। तो चलिए, अब आपको इसके आपको दोनों ही गाड़ियों का फुल कंपेयर्ड मैं करके और क्या क्या उसमें चेंजेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसमें सबसे पहले इंजन की मैं बात करूँगा, तो इंजन में जैसे कि मैंने बताया कि जो 28 में 5.6 लीटर का है और इसमें 6.7 लीटर है, और दोनों ही सिक्स सिलेंडर हैं, और HP की तो मैंने आपको जैसे कि बता ही दिया था। गियरबॉक्स की बात करें तो दोनों में 1150 गियरबॉक्स है, इसमें 380 mm का क्लच है, इसमें 430 का है। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनुअल है, इसमें जो टॉर्क है 850 न्यूटन मीटर का टॉर्क 28 पीस मिल जाता है, इसमें 950 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है 25 के अंदर। अदर डिटेल की बात करो तो दोनों में जो फ्यूल टैंक है उनकी जो कैपेसिटी है वो सेम है, दोनों में 300 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, 35 लीटर का डीएसी यूनिट मिल जाता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था दोनों में जो ग्रॉस वेट है, जो व्हीकल का ग्रॉस वेट है वो भी सेम है, जो कि 28 टन मीन्स 28,000 kg है। फाइनली अब हम इसकी बात करेंगे प्राइस की, तो प्राइस के बारे में जैसे कि बताया कि जो 23 गाड़ी का जो प्राइस है 37.83 लाख से लेकर 40 लाख तक है, और 28-25 का जो प्राइस है 40.59 लाख से लेकर 41.18 लाख तक है। ये आप जो सबसे स्टार्टिंग का मॉडल है और सबसे टॉप मॉडल है, दोनों प्राइस की मैंने बात की। We'll be right back.